Hey, नमस्कार दोस्तों। तो आज दोस्तों आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं चेन्नई, चेन्नई में तिरुपति टेम्पल। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, पहली बार जा रहा हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत पहले भी मेरा प्लान बना था लेकिन जा नहीं पाया था। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि तिरुपति और एकदम से प्लान बनाएं तो ऐसे नहीं होता है। तिरुपति के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन यस, दर्शन का जो टिकट होता है, दो तरह के दर्शन होते हैं, एक नॉर्मल है और एक वीआईपी है। वीआईपी के लिए 300 रुपीज का जो दर्शन है वो होते हैं, उसको आपको कम से कम 2 महीना पहले बुक करना होता है, और जिसका एक स्लॉट होते हैं आपके। सो उसको स्लॉट के बारे में भी मैं अभी एकदम काफ़ी टाइम पहले, 1.5 महीने पहले बुक किया था, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि हर आई गेस 2 घंटे बाद स्लॉट होता है, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। और वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग वैसे हम एक बंदा है हमारे पास, मैं नाम ही बताऊंगा, जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है। तो हम लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या होने वाला है वहाँ पे जाके, फिर आपको बताएंगे कि क्या वर्क अराउंड कर सकते हैं। हमने एक चीज़ जो प्लान करी है कि कलर प्रिंटआउट निकाल करके आधार कार्ड का वेबसाइट से और उनको प्रेजेंट करेंगे। अगर वो लोग मांगते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भैया अब मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या, दूसरा कोई सहारा नहीं हमारे पास। गाइज, अभी हम लोग चल रहे हैं NH 206 पे, और तिरुपति टेम्पल यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, लेकिन जो हमारा गूगल मैप है वो बता रहे हैं कि हमको अराउंड 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारा जो एस्टिमेट लग रहा है कि 3-3.25 घंटे लग सकते हैं। रास्ते में भी बहुत सारी, पूरा रोड हाईवे बन रहा है, तो सिंगल रोड है अभी, मे बी 2-3 तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे कई जगह पे ब्रिजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको पूरा कंप्लीट करना है तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मतलब हाँ, जो डिस्टेंस हम लोग 6 घंटे में या 5 घंटे में कवर करेंगे, बाद में उसका 1 घंटा कम हो सकता है या होपफुली ज़्यादा, क्योंकि एवरेज जो स्पीड हमारी निकल के आ रही है वो 25 से 30 की निकल के आ रही है। बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन है, या फिर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, स्पीड स्लो है। पूरे ही जोश और उत्साह के साथ सनरूफ से निकल करके और पूरे इस मनमोहक व्यू का आनंद लेते हुए त्रिमुला की वादियों में गाड़ी नंबर के 53MF 2333।
done with the darshan and all. After the darshan, we all were very tired and I could not video on it. We got up right now. It's a little late, around 10 o'clock. But we have come over here for the breakfast. And again, the unfortunate thing was, starting from the video, I could not show you all the Shraddhalu Bandhu. We all are over here together for the darshan. So I'll just introduce everybody. So here we have Karan and Arushi Bhavi, Gaurav, Pratyush, and Himanshu, my wife Menka. Alright, so this is our group who came over here for the darshan, and I must tell you, this was my very first time, but again, the kind of darshan we all had, that was like wonderful. We could see the Lord, you know, very closely, very clearly. Now we are here for the breakfast. If I get to see anything which is important and I'll have to share with you, main aap logo ke saath share kar dunga.